6:55 और बाहर देखो कितना फॉग है। अभी ऐसे में अगर जल्दी निकलते तो राइड करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा day 3 है और आज मैं जाने वाला हूँ रत्नागिरी से पणजी। वैसे तो मैं मुरुडेश्वर टेंपल जा सकता था लेकिन मुझे कोई भी हड़बड़ाहट नहीं करनी, आराम से ही जाना है। और सेकंड जो है मेरा एपिसोड अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे जो होटल में रुका हूँ वहाँ पे एक तो वाईफाई नहीं है, उसके अलावा भी नेटवर्क भी नहीं है। तो ये जो है पूरा मतलब जंगल टाइप एरिया है, फॉलीएज, तो नेटवर्क की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो उसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन जैसे जैसे आगे अपडेट मिलेगा वैसे वैसे मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। तो कल मैं निकला था सुबह 6 बजे और मैंने आपको दिखाया था कि कितना अंधेरा था, तो उसकी वजह से मैंने आज डिले कर दिया। और अभी 7 बजे है, मैंने सुबह आपको दिखाया कि कितना कोहरा मतलब धुम्मस है, फॉग है पूरा। तो बेटर है कि आराम से निकले 7 बजे क्योंकि 5-6 घंटे का ही रन है। तो भाई सारी सीरीज़ की वीडियो पूरे देखना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और फर्स्ट टाइम अगर चैनल में वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अभी निकलेंगे रूट के लिए, करीबन 8 बजे के आसपास मैं निकल जाऊँगा। तो ट्रिप मीटर 0 कर देंगे एज रेगुलर। तो जब भी मैं बाइक के पास जाऊँगा आपसे बातचीत करूँगा। टिल देन सी यू, बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बज गए सुबह के 8:15 और आज मैं लेट निकल रहा हूँ क्योंकि मेरा जो डेस्टिनेशन है वो 5 घंटे का ड्यूरेशन बता रहा है, तो आराम से मैं 5 बजे तक तो पहुँच जाऊँगा। तो मैं रेडी हो चुका हूँ नेक्स्ट राइड के लिए, निकलने के लिए। तो डायरेक्टली मिलते हैं बाइक पे, सी यू। जय भगवान, जय माता जी, दर्शन हो गए। सभी टाइम हो गया है चेकआउट करने का, ये प्रॉपर्टी से, और अभी भी यहाँ पे पूरा कोहरा है धुम्मस। और टाइम हो गया 8:20। सो अभी बज गए हैं सुबह के 8:30 और ट्रिप 1 को हम जो है 0 सेट कर देते हैं। जीरो हो गया है और अब तक चला है 70,870 किलोमीटर। तो नाउ आज का हमारा जो तीसरा डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम पहुँचेंगे। सो बादल जो है पूरा लोड हो चुका है कम्प्लीटली और यहाँ से हम निकलेंगे और सबसे पहले पेट्रोल टंकी फुल करवा देंगे एज यूजुअल। कोल्ड स्टार्ट मैंने इसका कर दिया है, सो निकलने के लिए रेडी। सो भाई प्लीज़ वीडियो को प्यार और सपोर्ट देते रहना और शेयर करना, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सुपर बाइक या बड़ी बाइक होनी चाहिए राइड के लिए, छोटी बाइक में भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं रोड पे सीधा। जय श्री राम, जय हनुमान। और अपनी राइड जो स्टार्ट हो गई है, आई एम मूविंग आउट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। और ठंडक जो है बड़ी कमाल की है, लास्ट टाइम आए तब ये रास्ता बंद रहा था, बहुत टूटा फूटा था, और अभी कम्प्लीटली अच्छा हो गया है। अभी भी आगे फॉग है तो एकदम विजिबिलिटी इतनी भी क्लियर नहीं है। अपने जो है अपनी ऑक्सिलरी स्टार्ट कर दी है। सुबह सुबह में ऐसे राइडर आपको बहुत मिलेंगे। ऐसे रोड पे आपको जो स्पीड है काफ़ी अच्छी मिल जाती है और वैसे भी अपना डिस्टेंस 5-6 घंटे का ही है, आराम से जाएंगे। तो जैसे ही बाहर मेन रोड पे आ जाएंगे, आगे आगे जाएंगे, बातचीत करते रहेंगे और आपका प्यार और सपोर्ट दिखाते रहना, क्योंकि राइड हमने स्टार्ट किया है 8:36 पे, क्योंकि ये सब पैकिंग में 10-15 मिनट और लग जाता है। ठंडक बढ़िया है, बहुत ही चिल्ड है। तो टिल देन सी यू, बाय बाय। फॉग इतना है कि बार बार जो है मुझे अपने हेलमेट का ग्लास क्लीन करना पड़ता है क्योंकि थोड़े ही सेकंड में आगे दिखना बंद हो जाता है। तो इसका रीज़न ये है, ग्रीनरी, झाड़ियाँ, वादी, जिसकी वजह से इतना धुम्मस है, फॉग है।
रोड काफ़ी बेहतरीन है। तो कंटिन्यूसली अब तक मैं लगभग 10-12 जो है क्लीन कर चुका हूँ अपना ग्लास। और जैसे जैसे आगे चलते देखो आपको रोड पे भी शायद दिख रहा होगा कितना फॉग है। तो इसके लिए मैं आज लेट निकला, फिर भी ये सीन है। तो अगर मैं 7 बजे निकलता तो ठंडी भी बहुत होती और फॉग इतना होता कि मुझे अभी जितना स्पीड मिल रहा है कि 50+ वो भी शायद मुझे नहीं मिलता, क्योंकि विजिबिलिटी एकदम कम हो जाती है। देखो अभी आगे बिल्कुल सीन ऐसा ही है, ठीक सही से कैसे कुछ दिख नहीं रहा है। तो कवर अप करते हैं सड़क पे ध्यान रख के। सो फाइनली आई एम ऑन द हाईवे ऑफ पंजिम, और अभी भी पंजिम यहाँ से 163 किलोमीटर है। और ये जो हाईवे है ना वो ज़बरदस्त बनाया हुआ है, मतलब आप टॉप स्पीड पे जा सकते हो, थकान नहीं होगी, एकदम स्मूथ रोड है। तो आप ये रोड का मज़ा लीजिए हाईवे का। टोल प्लाजा है, पता नहीं चालू है कि बंद है, बंद ही लग रहा है। तो या तो शायद बंद कर दिया है या तो शुरू होने वाला है, पर रोड एक नंबर है, एकदम बढ़िया। शायद काम चल रहा है अभी, बाकी लग रहा है। गुड आफ्टरनून, जस्ट अभी मैंने अपना लंच कंप्लीट किया, क्योंकि 4 घंटे से ऊपर से मैं कॉन्स्टेंटली राइड कर रहा था और सुबह चाय और उपमा खा के निकला था। और अभी ये गर्मी की वजह से मुझे भूख इतनी ज़बरदस्त लगी थी, तो मैं सोचा कोई अच्छी जगह है तो वहाँ बैठ के खाना खा लूँगा। टोटल बिल हमारा है 200 रुपये का, जिसमें फिक्स थाली थी और मसाला छाछ। और अभी का टाइम हुआ है दोपहर के 1:30 बजे और मुझे पहुंचना है पंजिम। तो टाइम ड्यूरेशन बता रहा है 1 घंटा 12 मिनट। देखो रोड कैसा है, क्या अगर आप दो हाथ से पकड़ के चलाते हो तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे एक हाथ ओपन करते हो ना, स्टीयरिंग देखो हिल रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो मैं निकला समझा कि विंटर का टाइम है तो गर्मी कम लगेगी, पर यहाँ तो एक्सट्रीम गर्मी है और जैकेट की वजह से और लग रही है। तो अभी 1 घंटा 12 मिनट है डेस्टिनेशन में, तो अभी डायरेक्टली फटाफट कवर करते हैं
और वहाँ पहुँचने के बाद मैं आपसे बातचीत करता हूँ होटल ऑक्यूपाई करने के बाद। टिल देन सी यू। वेलकम टू गोवा। टाइम हो गया 2:21। वास्को कनाकोना मरगांव मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में आपका स्वागत है। सो गोवा का चर्च जो है हमारे सामने दिख रहा है यहाँ से। वैसे तो यहाँ बहुत सारे चर्च है। 2.9 किलोमीटर अभी और हमें जाना है। 7 मिनट बता रहा है। अरे भगवान, बहुत ट्रैफिक है और बम भी बहुत है। छः मिनट 2.7। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं हूँ गोवा में पणजी और मैं यहाँ पे पहुँच गया था 3:18 अपने रूम पे या होटल में। और आज मैंने कवर किया 255.7 किलोमीटर और हमने राइड स्टार्ट किया था 8:30 और मैं यहाँ पहुँचा 3:18। 7.5 घंटा टोटल हुआ जिसमें काफ़ी सारे छोटे ब्रेक लिए थे और एक लंच ब्रेक लिया था। तो 7 घंटे का आज का हमारा जर्नी था टोटल। पर जो सूर्य देवता थे उन्होंने मुझे इतना तपाया कि किलोमीटर कम थे लेकिन मैं थक बहुत गया था क्योंकि कंटिन्यूसली जो सनलाइट था सीधा मेरे पे ही आ रहा था और राइडिंग गियर्स की वजह से बहुत गर्मी लग रही थी। तो मैं पहले नहा धो के फ्रेश हो गया, वीडियो एडिटिंग का काम कर रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको वीडियो टाइम सर मिले। और कल सुबह यहाँ निकलते आसपास में जो भी साइट सीन है जैसे बागा बीच है तो कवर करते करते जाएंगे। और कल पहुंचना है भेश्वर जाएंगे, वहाँ पे लॉर्ड शिवा का जो स्टैचू है वहाँ शिव जी का दर्शन करेंगे और उसके बाद हमारी राइड जो है नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे जैसे आप वीडियो देखते रहेंगे आपको अपडेट मिलता रहेगा। फिलहाल यहाँ पे जो मैंने रायता फैला के रखा हुआ है लगेज का वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो टेल बैग रख दिया, टैंक बैग रख दिया है, ये मेरा राइडिंग जैकेट, ये हेलमेट, ये टेल बैग, ये छोटे कपड़े, शूज, ये सब एडिटिंग का सामान, मेडिकल किट, केबल्स, लैपटॉप पे अभी जो है वीडियो अपलोडिंग का काम चालू है, फ़ोन चार्जिंग में रखा हुआ है, मतलब पूरा बैग जो है फैला हुआ पड़ा है, सब कुछ पूरा काम निपटा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे ताकि रोज़ आपको नई नई चीज़ें देखने को मिले। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करो। टिल देन बाय बाय।